2 दिसंबर 2019 को मुंबई के माहिम और बांद्रा के बीच बहने वाले मीठी नदी में माहिम दरगाह के पीछे एक सूटकेस मिलती है जिसमें एक इंसान का हाथ और पैर काट कर रखा होता है। साथ में 2 शर्ट और 1 लाल स्वेटर भी रहता है। मुंबई जैसे बड़ी आबादी वाले शहर में पुलिस को ऐसी चीज़ें मिलती रहती है। पुलिस चाहती तो इस चीज़ को मीडिया से बचाकर केस को रफा दफा कर सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस को सुलझाने का सोचा। उनके पास क्लू के नाम पर क्या था? 2 शर्ट 1 स्वेटर और इंसान का कटा हुआ हाथ पैर जो अब डिकम्पोज हो रहा था। क्या मुंबई पुलिस इस केस को सुलझा पाएगी? अगर हाँ तो इसका कातिल कौन हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर क्या हुआ होगा इस केस का? आइए देखते हैं कहानी क्राइम की वाले सीरीज के आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको मुंबई की मीठी नदी के बारे में बताते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई कभी गए हैं और लोकल ट्रेन से यात्रा किए हैं तो आपको यह माहिम और बांद्रा स्टेशन के बीच मिलेगी। आप कन्फ्यूज भी हो जाएंगे कि यह नदी है। आज की मीठी नदी एक नाला के रूप में बदल चुकी है जिसमें सारा शहर का कचरा भरा हुआ है। मुंबई के लोकल ट्रेन में बैठे हुए माहिम और बांद्रा के बीच जब आपको सबसे अजीब बदबू की दुर्गंध आए तो आप समझ लीजिए कि आपकी ट्रेन मीठी नदी को क्रॉस कर रही है। इसी मीठी नदी में 2 दिसंबर 2019 को माहिम दरगाह के पीछे शाम के समय में पुलिस को एक सूटकेस मिली जिसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स काट कर रखा हुआ था। सूटकेस बरामद करने के 24 घंटे बाद सायन अस्पताल के फोरेंसिक विभाग ने बैग के अंदर मिले हाथ से उंगलियों के निशान निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। सूटकेस में बॉडी पार्ट्स के अलावा 2 शर्ट 3 पैंट और 1 स्वेटर था। मुंबई पुलिस के अनुसार एक शर्ट रेडीमेड थी जबकि दूसरी को किसी टेलर के पास सिलाया गया था। जब क्राइम ब्रांच ने शर्ट पर लगे स्टिकर की मदद से मामले की गहन जांच की तो पता चला कि यह दर्जी कुरला का है। इस टेलर शॉप का नाम था एल्मो मेंस वियर। सूटकेस को मिले हुए 4 दिन बीत चुके थे, मामला भी अब तूल पकड़ने लगा था। जब पुलिस उस टेलर शॉप पर गया तो वहाँ यह तो कन्फर्म हो गया कि यह शर्ट उनके यहाँ ही सिली हुई है, लेकिन उस शॉप के पास जो कैश मेमो था उसमें सिर्फ कस्टमर का नाम लिखा हुआ था, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं। अब तो पुलिस के लिए भी भारी समस्या हो चुकी थी कि अब इसके आगे का रास्ता क्या हो सकता है। उस टेलर शॉप के नाम से अब यह तो कन्फर्म हो ही चुका था कि मरने वाला मुंबई का ही है, इसलिए अब पुलिस उस नाम के साथ उसे फेसबुक पर ढूंढने लगी। नाम था बेनेट रेबेलो। मुंबई पुलिस ने फेसबुक पर इस नाम को सर्च किया तो दर्जनों प्रोफाइल थी, लेकिन तभी लाल स्वेटर में एक फोटो दिखी। दरअसल ऐसा ही स्वेटर पुलिस को सूटकेस में मिला था। खोजने पर पता चला कि मरने वाला का नाम बेनेट ही था। फिर फेसबुक की उसी प्रोफाइल में बेनेट रेबेलो का एक आई कार्ड मिला जिसमें उसके घर का एड्रेस मिल गया। यह एड्रेस मुंबई के ही वकोला का था। पुलिस बेनेट रेबेलो के घर पहुंची तो वहां पर आराध्या पाटिल नाम की एक लड़की मिली। इस लड़की को बेनेट रेबेलो ने गोद लिया था। जब उससे पुलिस बेनेट के बारे में पूछती है तो वह बोलती है कि पापा शो करने के लिए कनाडा गए हुए हैं। यहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे इसी लड़की का हाथ हो सकता है, नहीं तो यह झूठ क्यों बोल रही है। मुंबई पुलिस को बाद में पता चला कि बेनेट रेबेलो एक गिटारिस्ट है और वह शोज में जाते रहता है। अब पुलिस को यह पता करना था कि आखिर इस मर्डर के पीछे आराध्या ही है या कोई और। फाइनली 6 दिसंबर 2019 को आराध्या पाटिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब आराध्या से पूछताछ की जाती है तब वह अपने एक बॉयफ्रेंड का नाम लेती है जो कि एक नाबालिग था। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब शुरू होता है इस मर्डर के पीछे की कहानी। पुलिस पूछताछ में आराध्या पहले तो इन सब चीज़ों में शामिल होने से इनकार कर देती है और फिर यह एक्सेप्ट करती है कि उसने ही अपने स्टेप फादर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा है। आराध्या ने पुलिस को बताया कि वह 26 नवंबर 2019 को ही उसे मार दिया था। उसके अनुसार उसने पहले रेबेलो पर बांस के डंडे से हमला किया और इसके बाद भी जब वह नहीं मरा तो उसके मुंह और नाक में मॉस्किटो रेपेलेंट को स्प्रे किया जिसके कुछ देर बाद उसकी सांसें रुक गई। मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त के अनुसार उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा। इस दौरान रेबेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को किचन में गर्म किया गया। इसके बाद 3 सूटकेस में भरकर उसे मीठी नदी में फेंक दिया।
यह भी बात सामने आई कि इन दोनों ने शव को काटने से पहले ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखे थे जिससे कि कोई क्लू छूट ना जाए। पुलिस इन सभी बातों को वेरीफाई करने के लिए वकोला स्थित बेनेट के घर पर गई, जहां बाथरूम के दीवारों पर अभी भी कुछ ब्लड स्टेन्स बाकी था। पुलिस अब हर ओर से कन्फर्म हो चुकी थी। इस मर्डर के पीछे जो मोटिव सामने आया था वह था बेनेट रेवेलो का वुमनाइजर होना। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि बेनेट के पास एक महक नाम की महिला भी रहती थी जिसे वह अपनी बीवी बनाकर रखता था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले महक का एक बॉयफ्रेंड भी था जो रेवेलो को बुरी तरह से पीटा था उसे महक को अपने घर में रखने के लिए। इसके बाद महक ही आराध्या को रेवेलो से इंट्रोड्यूस करवाई थी। वह उसे अपनी बेटी बनाकर घर में लाया था, लेकिन वह उसके साथ भी यौन शोषण करने की कोशिश करता था। बेनेट रेवेलो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आराध्या का एक बॉयफ्रेंड भी था, इसीलिए वह उसे टॉर्चर भी करता था। यह बात जब आराध्या अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो वह भी गुस्से से तमतमा उठा और दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से ही हटा देना बेहतर समझा। मुंबई पुलिस इन सभी स्टेटमेंट के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाली, जहां से भरपूर सबूत भी मिल गए कि यह मर्डर आराध्या ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की है। पुलिस अब आराध्या के असली माँ बाप को खोजने निकली। आराध्या का असली पेरेंट्स मिला नवी मुंबई के रबाले में। जब गोद लेने के बारे में पुलिस उससे पूछी तो उसका जवाब था कि वह एक प्रॉपर्टी वाला आदमी था जिसके बीवी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उसके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी बेटी की ही होने वाली थी, ऐसा बेनेट ने गोद लेते समय कहा भी था। फिर पुलिस को आराध्या का बर्थ सर्टिफिकेट भी हाथ लग गया, जिसके अनुसार आराध्या खुद 19 साल की नहीं बल्कि अपराध करते समय वह सिर्फ 17 साल और 4 महीने की थी। इस तरह से वह भी नाबालिग हो गई। केस को पूरी तरह से सुलझाने के बाद आराध्या और उसके माइनर बॉयफ्रेंड दोनों को रिमांड होम में भेज दिया गया। हम इसीलिए कहते हैं कि क्राइम कैसा भी क्यों ना हो, उसे कितनी ही सफाई से क्यों ना की गई हो, एक ना एक दिन उसका भेद खुल ही जाता है। नहीं तो सिर्फ एक हाथ पैर और कुछ कपड़ों के साथ मिलने वाले सूटकेस से कहाँ कुछ हासिल होने वाला था। तो यही थी मुंबई के बेनेट रेवेलो मर्डर केस की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट में यह भी लिखें, हम आपकी डिमांड को जरूर पूरी करेंगे। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।